हम राजमिस्त्री का काम कर रहा 10 साल से। घर के बारे में माता पिता भाई बहन सब कुछ है, वहाँ बिहार में। हम हैं यहाँ पर परिवार के साथ, बच्चे भी हैं, एक लड़का एक लड़की है और हम दो जने हैं और हम अकेले कमाने वाले। इसमें बच्चों का भी खर्चा है, स्कूल का और घर का खर्चा, कमरा किराया। उसमें बहुत फर्क पड़ा है, एकदम से बिल्कुल काम धंधा सब बंद हो गया था। आदमी का जाना आना आदमी बिल्कुल बंद था, कोई बुलाता नहीं था काम करने के लिए। जब कोरोना के बाद 3 महीना बाद जब वो छूटा है तो हल्का फुल्का आदमी सब बाहर नहीं निकलने लगा, तो समय थोड़ा बहुत काम चलने लगा है। तो फिर मजदूरी कम हो गया था, समय जहाँ 700 रुपये था पहले वहाँ अब 600 रुपये हो गया है। कोरोना के पहले 700 था, कोरोना के बाद 600 रुपये हो गया है। कोई जाता है काम करने, एक दिन मिला काम नहीं फिर मिला, फिर बीच में कहीं घूमते घूमते का दिन मिल गया, फिर 5-10 दिन 4 दिन नहीं मिला, तो आदमी बहुत दिक्कत से चल रहा है इस समय। मैं पेशे से राजमिस्त्री हूँ और छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लगभग 21-22 वर्षों से काम कर रहा हूँ और हम लोग यहाँ पे रोज़ कमाने खाने वाले मज़दूरों का एक अड्डा है जहाँ पे हम लोग काम की तलाश में खड़ा होते हैं। और इस समय काम के लिए खड़े हैं कि कोई मालिक ठेकेदार आ जाए और जिससे आज की हमारी रोजी रोटी के लिए जो है सहूलियत हो सके। काम धंधा बंद था, फिर सब्जी बेचना शुरू किए, सब्जी बेचे 2-3 महीना, उसमें कोनो दिन 200, कोनो दिन 100 रुपया, कोनो दिन 300, ऐसे बचता था मजदूरी। दिन भर घूमने के बाद गली गली घूमो बेचो, तब जाकर 200-250 बनता था। बच्चों का पढ़ाई तो मान लीजिए 1 साल से स्कूल बंद है, तो उनको स्कूल में फीस नहीं देना पड़ा, वही बजट जो था घर में खर्चा हो गया। काम धंधा है नहीं कहीं, सब दोनों आदमी बैठ गए थे एकदम। यही इसमें हमको लगता नहीं है कि इसी से कुछ हो पाएगा कि हम कर्जा दे पाएंगे। आदमी कोशिश करता है कि जाता है रोज कि काम धंधा मिल जाए, शाम को 2 रोटी कोनो तरह चले अपना, लेकिन वहाँ जाओ तो कोई काम ही नहीं मिलता है। इस समय जो है पैसे बचा पाना तो बहुत दूर की बात है, अभी की स्थिति में गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काम जो है संभवतः लगभग लगभग कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बहुत मुश्किल में गुजर बसर हो रहा है। रखा है को जहाँ परिवार भी जाती है काम करने, वो 2-3 घर में उनका भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसी में। हाँ, हमारी बीवी जाती है काम करती है, वो ही सामने जाती है बर्तन झाड़ू पोछा करती है, ये थोड़ा बहुत मिलता है 5-6 हज़ार उनको भी। बच्चों का पढ़ाई का अभी तो मान लीजिए अब नहीं चल रहा है, पढ़ाई स्कूल बंद है, इस समय ऑनलाइन पढ़ाई होता है। हमारे बच्चे ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, मोबाइल है नहीं बड़ा हमारे पास, इसीलिए पढ़ा नहीं पाए ऑनलाइन में। रोज़ मान लीजिए चल रहा है किसी तरह, अब कैसे बताए कि कैसे चल रहा है, बहुत दिक्कत चल रहा है इस समय। पहले के समय में दिहाड़ी लॉकडाउन से पहले काम बढ़िया सामान्य चलता रहा था, जिसमें काम काज में आने जाने में कोई समस्याएं नहीं थी। वैसे 350 रुपये मजदूरी हमारे मजदूर साथियों का था और 650 हमारे श्रमिक साथियों का, वो राजमिस्त्री साथियों का। और अभी के समय में तो काम मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, अभी की स्थिति में 300 रुपये दिहाड़ी मजदूरों का और हम 600 रुपये राजमिस्त्री का मान लेते हैं। पहले तो काम बहुत पर्याप्त और बहुत आसानी से काम मिल जाता था। महीने में हम पहले मान लें तो पहले 30 दिनों में हम कम से कम 20 दिन मान के चले सामान्य तौर पर आसानी से मिल जाता था।
अभी की स्थिति में बता तो रहे हैं कि लगभग 45 दिन में मुश्किल से 15 से 16 दिन काम मिल पाया है।